गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज क्लास 9 का बायोलॉजी क्लास शुरू होगा। ठीक है, सो फर्स्ट चैप्टर आप निकाल लीजिए, चैप्टर नंबर 5, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, तो चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो हम लोग पिछले क्लास में पहले भी पढ़ चुके हैं कि कोई बॉडी जो होता है उसका सबसे फंडामेंटल यूनिट, जो बेसिक यूनिट होता है वो क्या होता है, सेल होता है। तो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसको सबसे पहले डिस्कवर किया गया था रॉबर्ट हुक के द्वारा इन द 1665, है ना। उसमें एक कॉर्क जो होता था, पहले हम लोग देखते थे जो पतला कोई शीशी को पैक करने के लिए, बॉटल को पैक करने के लिए ऊपर से कवर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, उसका एक स्लाइस काट करके उसको अपने द्वारा बनाया गया सिंपल माइक्रोस्कोप से वो देखा था, जिसमें देखने में आया कि वो छोटा छोटा एक बॉक्स के रूप में सेल दिख रहा है। तो उसको एक छोटा रूम के रूप में वो नाम दिया कि ये लिटिल रूम है। तो सेल इज द लैटिन वर्ड फॉर अ लिटिल रूम। तो लैटिन में लिटिल रूम को सेल कहा जाता है, तो उसी वर्ड को लेकर के रॉबर्ट हुक ने उसको सेल का नाम डिनोट किया। ठीक है, अब जैसा कि वो सिंपल माइक्रोस्कोप से इस चीज को देखा था, लेकिन अब आजकल के समय में उसको आगे बढ़ करके उसके लिए सिंपल माइक्रोस्कोप का से हट करके हम लोग बढ़ करके फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ। इसको देखा जाए तो इसमें दिखता है फिगर में कि ये एक इस तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें कि एक आर्म होता है, मतलब हाथ होता है, जिसको पकड़ करके हम लोग उसको ऊपर नीचे या दायां बायां कर सकते हैं। नीचे उसका एक बेस आर्म होता है, ठीक है। फिर इसके ऊपर में एक ट्यूब होता है, इस ट्यूब के अंदर में एक आई पीस होता है जिसके ऊपर में हम लोग आंख लगा करके देखते हैं। एक ऑब्जेक्ट के सामने होता है, यहाँ एक ग्लास स्लाइड है जिसमें ऑब्जेक्ट रखा हुआ होता है। इसके अंदर में 3 ऑब्जेक्टिव लेंस होता है जिसको सेलेक्ट करके मैग्नीफाइंग अलग अलग पावर के हिसाब से उसको सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद नीचे में एक मिरर होता है जिसको कि हम लोग एडजस्ट करते हैं सो दैट सनलाइट कैन रीच थ्रू द ग्लास स्लाइड थ्रू कंडेंसर। एक कंडेंसर होता है जिसके अंदर से होकर के लाइट ग्लास स्लाइड के पास पहुंचता है और फिर ऑब्जेक्टिव लेंस से होते हुए ये आईपीस तक पहुंचता है। इसको ऊपर नीचे करने के लिए बगल में एक बड़ा सा स्क्रू एडजस्टमेंट होता है जिसको हम लोग कोर्स एडजस्टमेंट करते हैं, जिसमें कि देखो ऊपर में एक हमने एरो मार्क बना दिया ऊपर नीचे करने का, इससे ये ट्यूब ऊपर नीचे होता है टू एडजस्ट द फोकस फॉर द स्लाइड। नेक्स्ट होता है फाइन एडजस्टमेंट, तो उसमें होता है कि जब फोकस होने लगा तो उसको और क्लियर देखने के लिए हम लोग फाइन एडजस्टमेंट का यूज करते हैं। इस आर्म को पकड़ करके हम लोग देखते हैं, सनलाइट यहां पर बाहर के तरफ से आता है और मिरर को भी एडजस्ट किया जाता है और ग्लास स्लाइड को 2 क्लिप के हेल्प से हम लोग उसको फिक्स कर देते हैं और मिरर को एडजस्ट कर देते हैं ताकि सनलाइट सीधा कंडेंसर से होकर के ग्लास स्लाइड से होकर के फिर वो लाइट ऑब्जेक्टिव पीस से होते हुए आई पीस तक आता है। तो ये माइक्रोस्कोप का फिगर आप अपने कॉपी में ड्रॉ कर लीजिएगा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। ये आज आपका होमवर्क रहा। ओके, थैंक यू।